आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो, जैसे ये डायग्राम में हमें दे रखा है कि ये पेड़ था, ये जो ए से लेकर सी तक, सी उसका फुट है और ए उसका टॉप है, ये पेड़ था हमारे पास, जो कि यहाँ जब तूफान के कारण, ठीक है, ये टूट गया है। और टूट के जो ये बी से लेकर ए तक का जो पार्ट है वो टूट के यहाँ गिरा है, और ये जो ए पार्ट, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे, ये जो टॉप है ये ग्राउंड को अब डी पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका जो टॉप है अब ये गिर के यहाँ पे टच कर रहा है जो कि डी पॉइंट है। तो और ये पार्ट जो है बी सी पार्ट जो है पेड़ का वो पार्ट है जो अभी भी ग्राउंड पे ये खड़ा है, क्योंकि बी से टूटा और टूट के यहाँ गिरा है, ब्रोकन पार्ट ही। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर बी से डी तक, ये हमें फाइंड आउट करनी है पहले, और फिर जितनी ये लेंथ है उसको 5, उसमें 5 मीटर हमें ऐड करना है, तो फाइनल इसका ही हाइट आ जाएगी, क्योंकि इसकी जो टोटल हाइट है ए से लेकर सी तक है या सी से लेकर ए तक है, तो सी से लेकर बी तक 5 मीटर, तो ये अभी भी वहीं है, पेड़ खड़ा हुआ है ग्राउंड के साथ, लेकिन ये बी से ए तक का जो पार्ट था ये टूट के अब यहाँ गिर गया है और ये डी पॉइंट पे इसका टॉप टच कर रहा है, ठीक है। तो ये टूटा हुआ पार्ट जो ए बी पार्ट था, अब ये बी डी पार्ट यहाँ पे बन गया, तो ये हाइपोटेन्यूज भी बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये जो 5 मीटर इसमें ऐड कर देंगे, जो भी बी डी की लेंथ आएगी उसको 5 मीटर में ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास ग्राउंड की हाइट, ट्री की हाइट आ जाएगी। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जैसे डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बी सी जो है 5 मीटर दे रखा है हमें, इट इज़ 5 मीटर, और ये जो है पेड़, पेड़ की जो रूट है, जड़ है, मतलब पेड़ पेड़ का जो बेस है और जहाँ पे इसका टॉप अब टच कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अब हमारे पास सी डी है, और ये है 12 मीटर, ठीक है बेटा। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पे सी पे राइट एंगल बना होगा, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सो इन राइट राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बी हैव पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द स्क्वेयर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑन अदर टू साइड्स। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो बी डी है, तो बी डी का स्क्वेयर, ये हमारे पास बी डी का स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे, बी डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वेयर और प्लस बी सी का स्क्वेयर आएगा, और साथ में प्लस हमारे पास सी डी का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, सी डी स्क्वेयर, इट इज सी डी स्क्वेयर। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी अब हमने अप्लाई कर ली। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसमें, वो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो सबसे पहले बी डी तो हमारे पास ऐसा अच्छी रहेगा, इसका स्क्वेयर हमने फाइंड आउट करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पार्ट हमने फाइंड आउट करना है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो है हमारे पास बी सी, सॉरी यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ प्लस साइन, यहाँ पे बी सी बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर जो आएगा हमारे पास, अब ये आ जाएगा, देखो बी सी, बी सी जो है हमारे पास 5, तो यहाँ 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे सी डी, तो सी डी क्योंकि हमारे पास 12 है, तो यहाँ 12 का स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्दर जब इनकी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके जब वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बी डी स्क्वेयर तो ऐसा अच्छा आ जाएगा, बी डी स्क्वेयर यहाँ पे ऐसा अच्छा आ जाएगा। अब 5 का स्क्वेयर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, और 12 का स्क्वेयर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144, ठीक है। अब बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 और 144 को ऐड करेंगे, तो ये 169 हो जाएगा, ठीक है। अब 169 जो होता है वो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करके आता है, और
हम ये बोल सकते हैं क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई होता है, तो वी कैन राइट इट एज होल स्केयर, 13 का होल स्केयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट इज होल स्केयर ऑफ 13। अब फर्दर बी डी स्केयर एज सच आ जाएगा हमारे पास। अब आगे हमारे पास क्योंकि ये 13 के होल स्केयर के इक्वल है यहाँ पे इस तरह से, तो इसका मतलब है कि बीडी जो हमारे पास है, बीडी जो है वो हमारे पास 13 मीटर आ जाएगा। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है उसकी लेंथ हमारे पास आ गई। अब हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे, तो हाइट ऑफ ट्री जो थी हमारे पास कैसे आएगी, देखो ये बी सी पार्ट तो ऑलरेडी इसका अभी भी ग्राउंड पे खड़ा है, प्लस जो ब्रोकन पार्ट था वो था इसका ए बी पार्ट, ब्रोकन पार्ट जो था ए बी पार्ट, तो ये ए बी पार्ट ही अब कहाँ गिरा है, ये ए बी पार्ट जो ब्रोकन पार्ट था वो ही अब ये बी डी हाइपोटेन्यूज बना है। तो ए बी की जगह हम यहाँ पे बी डी लिखेंगे क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट बना है हमारे पास, यही ब्रोकन पार्ट है अब। तो अब बी सी जो था 5 मीटर प्लस, और ये जो बी डी है ये 13 मीटर आ गया। तो फाइनली हमारे पास दोनों को जब ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास ये जो है 18 मीटर आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ 18 मीटर। तो ये 18 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो एक बार फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं, इसको एक बार फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखी है, मतलब कि ये ट्रायंगल में क्या है कि ये ए से लेकर सी तक हमारे पास एक पहले ट्री था जो कि पॉइंट बी से टूट गया, दे रखा है कि ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर ये टूट गया है, और ब्रोकन पार्ट जो है ब्रोकन पार्ट यहाँ पे गिरा है, जो ए बी ट्री था, अब ये यहाँ पे ये ए बी जो ट्री ए बी पार्ट है वो यहाँ पे गिर गया, अब ये बी डी पार्ट बन रहा है, मतलब ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन गया, ये यहाँ पे गिरा है, तो अब इसको हमने नाम दे दिया बी डी, और यही ए बी पार्ट यहाँ पे गिरा है, तो जो ए बी की लेंथ है वही ये बी डी की लेंथ होगी। अब क्योंकि ग्राउंड पे अभी भी 5 मीटर ट्री जो है वो भी खड़ा है, बाकी बी के ऊपर का पार्ट टूटा है, तो टूटे हुए पार्ट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर 5 मीटर में ऐड करेंगे तो ट्री की टोटल हाइट आ जाएगी। अब क्योंकि ट्री है ग्राउंड के साथ है, तो यहाँ राइट एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब जो जो दे रखा है बी सी 5 मीटर, सी डी 12 मीटर, अब ये बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी डी जो आ गया हमारे पास 13 मीटर आ गया। अब बी डी प्लस बी सी करके हमारे पास ट्री की पूरी हाइट आ जाएगी, जो टोटल हाइट थी, अब इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास 18 मीटर आ जाएगी।